सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक और मिडिल ईस्ट के जो ये ओपेक देश थे, इन्होंने इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की मार्केट को पिछले एक साल से मैनिपुलेट करके रखा था। आर्टिफिशियल तरीके से डिमांड बढ़ाने के लिए ये सभी देश एक साथ मिलकर क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को कम कर रहे थे ताकि मार्केट में कीमतें बढ़ी रहें। अमेरिका भी इसमें इनका भरपूर साथ दे रहा था क्योंकि उसको भी अपना क्रूड ऑयल मार्केट में बेचना है, और भारत और चाइना जैसे देश जो क्रूड ऑयल के लिए 85% तक विदेशों के ऊपर निर्भर हैं, उनको ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ रहा था। लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध क्रूड ऑयल के मामले में भारत और चाइना के लिए सौगात बनकर सामने आया है, क्योंकि जहां एक तरफ हम रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने के मामले में एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, वहीं हमारी सेविंग भी कई बिलियन डॉलर्स बढ़ रही है। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक भारत ने सऊदी अरेबिया, इराक और कुवैत के साथ साथ अमेरिका को भी बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया भारत का टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर देश बन गया है। पहले यूएई, फिर अमेरिका, उसके बाद सऊदी अरेबिया और अब इराक को पीछे छोड़कर रशिया भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बनने जा रहा है। मई महीने में भारत ने सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज किया था इराक से, और इराक के बाद मई महीने में रशिया सेकंड पोजीशन के ऊपर भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश था। भारत ने अपना 21% क्रूड ऑयल रशिया से परचेज किया था, लेकिन अब रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि जून महीने में भारत ने इराक से ज्यादा क्वांटिटी में रशियन क्रूड ऑयल परचेज किया है, यानी अब रशिया भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि क्रूड ऑयल का ऑर्डर एक दो महीने पहले प्लेस करना पड़ता है, ऐसे में जुलाई महीने के लिए जो भी क्रूड ऑयल के ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं वो जून महीने से भी ज्यादा होने का अनुमान है, जिसके चलते ये उम्मीद जताई जा रही है कि जून के बाद जुलाई महीने में भी रशिया ही भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर होगा। अब क्योंकि रशियन क्रूड ऑयल की क्वांटिटी बढ़ गई है, ये तो सामान्य सी बात है कि भारत किसी दूसरे देश से अब कम क्वांटिटी में क्रूड ऑयल परचेज कर रहा होगा। इससे संबंधित रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि भारत ने सबसे पहले सऊदी अरेबिया से परचेज किए जाने वाले क्रूड ऑयल की क्वांटिटी में कमी लाई, उसके बाद कुवैत और फिर अमेरिका से परचेज किए जाने वाले क्रूड ऑयल में कट किया गया, और फाइनली इराक से भी अब भारत पहले के मुकाबले कम क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, जिसके चलते रशिया इतिहास में पहली बार भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है। ना सिर्फ भारत बल्कि चाइना भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और ह्यूज क्वांटिटी में रशियन ऑयल परचेज कर रहा है, जिससे ओपेक देश अब टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल के सबसे दो बड़े बायर चाइना और भारत ये दोनों उनके हाथ से निकल रहे हैं। जिसके बाद अब ओपेक देश ने इमरजेंसी मीटिंग करके कहा है कि वो इस महीने से क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। पिछले कई सारे महीनों से क्रूड ऑयल के प्राइसेस 115 से 120 डॉलर पर बैरल के करीब चल रहे हैं, जबकि रशिया भारत और चाइना को 25 से 30 डॉलर पर बैरल का डिस्काउंट दे रहा है। खास बात यह कि शुरुआत में बस भारत की सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ही रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रही थी। प्राइवेट रिफाइनरीज अमेरिका और यूरोप के सैंक्शंस के डर से रशिया से क्रूड ऑयल परचेज नहीं कर रही थी, लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है कि आज हम रशिया से जितना भी क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं उसका 69% अकेले रिलायंस और नायरा रिफाइनरीज परचेज कर रही हैं, जो कि प्राइवेट रिफाइनरीज हैं। यानी रशिया के डिस्काउंट का सबसे बड़ा फायदा भारत की प्राइवेट रिफाइनरीज उठा रही हैं। अगर लार्जर पिक्चर को देखा जाए तो जो बाइडेन के आने के बाद सबको लग रहा था कि ईरान और अमेरिका के बीच अब न्यूक्लियर पीस डील साइन हो जाएगी और ईरान का क्रूड ऑयल भी मार्केट में आ जाएगा, लेकिन जो बाइडेन ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाए और ईरान के ऊपर आज भी प्रतिबंध है। अगर ईरान का क्रूड ऑयल मार्केट में आ जाए तो सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही होगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।